हम का निशान हमारा पाकिस्तान, जज्बा खैर सगाली का शानदार मुजाहिरा। भारतीय पायलट रहा, रेंजर्स हुकाम ने वाघा बॉर्डर पर अभिनंदन को भारतीय हाई कमीशन के हवाले किया। 27 फरवरी को पाक फजाइया की जानिब से भारतीय तैयारा गिराए जाने पर भारतीय पायलट को गिरफ्तार किया गया था। भारतीय पायलट की रिहाई के बाद अमन की तरफ पाकिस्तान का एक और कदम। पाकिस्तान ने दोस्ती बस चला दी। बस के जरिए 16 मुसाफिर भारत चले गए। भारतीय शहरियों के साथ दूसरे ममालिक के मुसाफिर भी शामिल। अमन के दाई पाकिस्तान के सिपाही, दिफाए वतन के लिए अहले लाहौर सेना सिपर। शहर भर में तीसरे रोज भी रैलियां और मुजाहरे। पाक फौज से इजहार यकजहती। आपका के जेर एहतमाम पंजाब असेंबली से गवर्नर हाउस तक बड़ी रैली। मोदी का पुतला नजरे आतिश। हाई कोर्ट में वकला का पाक फौज के हक में मुजाहिरा। बल्दिया उज्मा की एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यूनियन और DHA ट्रेडर्स यूनियन भी सड़कों पर। बिस्मिल्ला चौक पर भी दिफाए वतन के लिए शहरी पुरअज़्म। शालम मार्केट और मिंट गुमरी रोड पर ताजिर बरादरी का पाक फौज के शाना बशाना चलने का अज़्म। रिक्शा यूनियन की लिबर्टी में रैली, पाक फौज के हक में नारेबाजी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का अहम इजलास। पंजाब काबीना ने कयाम अमन के लिए वज़ीर आज़म के इकदामात को सराहा। भारतीय जारहियत के खिलाफ इकदामात की तायीद, अमन के लिए कोशिशें की हैं। पाकिस्तान ने अमन के लिए आवाज़ बुलंद की और अमली इकदामात भी किए। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की LDA की तंजीम नौ की हिदायत। पुलिस गैर सियासी होगी, कोई मदाखलत नहीं करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब काबीना के अरकान पर वाज़े कर दिया। सानिहा साहिवाल पर JIT रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। रिपोर्ट के तनाजुर में इकदामात का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुलिस में मेरिट पर तकरारियां होंगी, करप्शन और बद इंतजामी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरी इलाकों में ऊंची इमारतों की हद पर कवानीन बनाएंगे। बीबी पाक दामन दरबार की तज़ीन व आराइश का भी फैसला। ज़ायरीन के क़याम की जगह में भी मज़ीद तौसी की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। पाक भारत कशीदगी, फजाई हदूद की बंदिश में मजीद तौसी। इलामा इकबाल एयरपोर्ट और वॉल्टन एयरपोर्ट 4 मार्च तक बंद। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने से 88 परवाजें मनसूख। मुल्क में फ्लाइट ऑपरेशन मरहलावार बहाल। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और पिशावर एयरपोर्ट फिजाई ऑपरेशन के लिए खोल दिए गए। तर्जुमान सिविल एविएशन हुक्काम। भारतीय पायलट की रिहाई, जज्बा खैर सगाली करार। पंजाब असेंबली के इजलास में अरकान की हुकूमती इकदामात की तारीफ। मोदी सरकार वज़ीर आज़म के अमन के पैगाम का मुस्बत जवाब दें। अरकान असेंबली, अमन हो या जंग, सब सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। अब्दुल अलीम खान अपोजिशन अरकान ने मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द करार दे दिया। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम, अलीम खान के खिलाफ नैब की तहकीकात जारी। केस की इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में दाखिल करने की मंजूरी। फैसला नैब लाहौर की बोर्ड मीटिंग में किया गया। पाकिस्तान है, दिहाड़ीदार बंदे हैं हम, ये पेट्रोल का खर्चा पूरा नहीं कर सकते। पेट्रोल की कीमत 60-70 रुपए लीटर होनी चाहिए। सैलरी वहीं पे है और पेट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा है, महंगाई होती जा रही है, काफी फर्क पड़ जाता है। वहाँ वहाँ से कोई भला करे, वहाँ वहाँ से फिसती जाती बढ़ जाएगी, हालात खराब हो जाएंगे, और क्या होगा। मसला ये है कि एक आदमी की सैलरी सुबह से लेकर शाम तक वो 400 रुपये दिहाड़ी लेता है, अगर उसके ऊपर ही 250 रुपये बढ़ जाएंगे तो वो उसके लिए काम मुश्किल हो जाएगा। महंगाई से सताए आवाम पर मजीद बोझ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 2.50 रुपये फी लीटर का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 4.75 रुपये फी लीटर बढ़ गई। मट्टी का तेल 4 रुपये फी लीटर महंगा। कीमतों में इजाफे का इकदाम, हाई कोर्ट में चैलेंज। पेट्रोल के बाद गैस बम, मोगरा ने LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया। LPG की कीमत में 9 रुपये फी किलो इजाफा।
नई कीमत 130 रुपए हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 59 रुपए इजाफा। कमर्शियल सिलेंडर 409 रुपए महंगा हो गया। सार्फिन पर 75 अरब रुपए का इजाफी बोझ। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। पेट्रोल और बिजली के बाद अशियाए खुरनोश की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान। सब्जियां, फल, दालें, हर शय महंगी होने का खदशा। ब्रायलर शहरियों की पहुंच से दूर। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 6 रुपए फी किलो इजाफा। कीमत 229 रुपए हो गई। शहरी परेशान। तनख्वाहें मिल गईं, शहर की सफाई फिर भी ना हुई। जगह जगह कूड़े के ढेर। इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगे। गड़ी शाहू, गवाल मंडी, कोपर रोड, लक्ष्मी चौक में बड़ा कूड़ा ना उठाया जा सका। ताफुन फैलने से शहरियों का जीना दोभर। 4 दिन में शहर जीरो वेस्ट चाहिए। वजीर कानून बल्दियात बिशारत राजा की LWMC को वार्निंग। पंजाब असेंबली का इजलास। मियां असलम इकबाल और वारिस कुल्लू में नोकझोंक। हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के क्या पॉलिसी बनाई। वारिस कुल्लू का सवाल, नून लीग 10 साल क्या करती रही। मियां असलम इकबाल, सूबे को 1500 अरब का मकरूज कर गए। सूबाई वजीर की तंज। प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद मजीद रिलीफ। गिरफ्तार अरकान भी काम कमेटियों के रुकन बन गए। अब्दुल अलीम खान और ख्वाजा सलमान रफीक इस्तेहकाक कमेटी के रुकन मुंतखिब। दोनों अरकान कमेटी के इजलास में शिरकत कर सकेंगे। मेट्रो बस हादसा। तहकीकाती टीम ने मजीद इंकशाफात से पर्दा उठा दिया। मेट्रो ट्रैक पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज मिल गई। हादसे का शिकार होने वाली बस का ड्राइवर 5 बार ट्रैक से बाहर आया। बस का बार बार गलत ट्रैक पर आना हादसे का सबब बना। तहकीकाती रिपोर्ट। अवामी मसाइल का फौरी हल। डिप्टी कमिश्नर सालेहा सईद की ऑफिस में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने। मुतलका हुक्काम को शिकायत पर फौरी कार्रवाई के अहकाम भी जारी किए। FBR में बड़े पैमाने पर तरक्कियां। कस्टम्स के 17 और इनलैंड रेवेन्यू के 83 अफसरान की तरक्कियों के अहकाम जारी कर दिए गए। तमाम अफसरान को ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में तरक्की दे दी गई। शफीकाबाद में स्नूकर क्लब में फायरिंग। मोहल्लेदारों ने नौजवान को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। बच्चों की लड़ाई पर झारा भट्ट और आमिर नामी नौजवान की फायरिंग। CCTV फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। चूंग पुलिस ने दो बच्चों को चंद घंटों में तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। आवाम को डिलीवर करना है क्वालिटी के साथ। 50 लाख सस्ते घर बनाने की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। ओवरसीज के लिए पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाएगी। वजीर आजम के मुआवन खसूसी जुल्फे बुखारी का तकरीब से खिताब। मौसम के रंग निराले। दिन भर मटर गश्त करते बादल, शाम को बरस पड़े। शिमला पहाड़ी और लक्ष्मी चौक में बारिश। कई इलाकों में फवार। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 रोज तक घर चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्रिकेट मेला। कनेट कॉलेज ए टीम ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को शिकस्त दे दी। खवातीन खिलाड़ियों ने क्रिकेट एकेडमी के कायम का मुतालिबा कर दिया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक और शानदार इकदाम। होनहार तुलबा पर इनामात की बरसात। कैंपस 10 में सालाना तकरीब तकसीम इनामात। एंट्री टेस्ट टॉपर्स में 15 लाख रुपए के चेक तकसीम। आवारी होटल में जश्न बहारा मेला। मुख्तलिफ खानों के स्टॉल। लाहौरी मनपसंद खानों से लुत्फ अंदोज हुए। गुलूकारा सायरा नसीम की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया।